नमस्कार, आइए हिसाब पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों की कमी नहीं होती, साथ ही साथ गुणवत्ता के आधार पर, याददाश्त के आधार पर, सभी लोगों से मिल चल कर के चलना और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाली जो उंगली होती है वो आपके पास में मौजूद है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर ये अपने आप में आपकी उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के चली गई है। ये व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी गुणवत्ता को दर्शाती है, यानी बिल्कुल अभिमान न होना, ज़्यादा गर्व के साथ खड़ा होना से आदमी टूटता है। परंतु जब उंगली सूर्य की थोड़ी टर्न ले लेती है तो व्यक्ति अपने आप को मौके के अनुसार झुका भी लेता है, अगर उसको नुकसान लगता है तो दो कदम पीछे भी हटा लेता है। कुल मिलाकर के उंगली का जुड़ाव आपकी शनि की उंगली के साथ ज़्यादा है तो अपने परिवार की संपत्ति पर कभी भी आपको झगड़े झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बहन भाइयों से सहयोग मिलेगा और माता पिता की सेवा भी आप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली और बहुत ही स्पष्ट तरीके से एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली। जब इस प्रकार की उंगली सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत राजनीतिक कार्यों में, खेल के कार्यों में उन्नति करता है। साथ ही साथ शनि की ढैया और साढ़े साथी जब आती है तो उसमें और ज़्यादा तरक्की व्यक्ति अपने जीवन में करता है। अब बात कर लेता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर ज्ञान को साधने वाले और अपने छोटे बड़े लोगों को गले लगाने वाले, धर्म आचार्यों का, मंदिरों का, इन चीज़ों में दान बढ़ चढ़ कर करने वाले या इनमें भाग लेकर अपनी सहकारिता को बढ़ाने वाली ये उत्तम उंगली आपके पास में मौजूद है। बात कर लेता हूँ आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व और यहाँ पर जहाँ उंगली ही अपने आप में बढ़िया थी, वहाँ पर आपके पास ये रेखा भी बढ़िया है, यानी कि कुल मिलाकर के धन के आगमन निरंतर रूप से बनाने वाली ये रेखाएं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा ये बताने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और ये यश के पर्व के रूप में जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो यहाँ निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यदि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए अगर मेहनत करे डट करके तो अपनी आयु को जो पक्ष चला गया आप में आपका तो उसमें सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता था, नहीं तो कम से कम एक अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त करके सम्मान प्राप्त करने वाली। और साथ ही साथ आपका एक सवाल भी दे देता हूँ का जवाब है, आपने कहा राजनीतिक योग, बिल्कुल 101% आप अपने जीवन के अंदर राजनीति में ज़रूर जाइएगा और बिल्कुल उसमें कदम कदम बढ़ा करके आप राजनीति में आगे बढ़ें। और इसके लिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको 43, मैंने बाकी रेखाओं को पढ़ लिया उसके हिसाब से मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है, 43वें वर्ष के बाद आपको राजनीतिक स्थितियों के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं, यानी उस समय आप ज़्यादा नाम धाम अपना ज़्यादा कमा सकते हैं। चलिए बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा सूर्य के पर्व, शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन के लिए जाना जाता है और जब ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर खड़ी हो जाएं तो जीवन के अंतिम चरण तक व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो चलिए ये भी अपने आप में मिला, एक थोड़ी सी रेखा का थोड़ा इंडिकेशंस और भी यहाँ पर मैं दे दूँ कि आपके सूर्य पर्व से निकल करके एक रेखा का बृहस्पति पर्व को जाना, ये इस पर्व को दर्शाता है कि व्यक्ति का बड़े बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने का संजोग को बताने वाली ये रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ इसको शुक्र वाले नहीं बोल सकते, यहाँ को इसको इस चीज़ के सौभाग्य के लिए जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर यदि ब्रैकेट्स हो जाएं तो फिर क्या कहने, व्यक्ति के पास निश्चित रूप से अपने जीवन में बेहतरीन मकान भी बना पाएगा, साथ ही साथ धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, साथ ही साथ अच्छा लग्जरियस जीवन भी जिएगा। यानी कुल मिलाकर यदि मैं उसको कहूँ तो ये एक निश्चित बात है कि उसके जीवन के अंदर वो धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और समाज में अपनी स्थिति को मजबूती के साथ स्थापना करेगा। तो ये अपने आप में आपकी समाज में स्थिति वाले सवाल का जवाब है और धर्म से संबंधित सवालों का जवाब यहाँ मिल गया। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा
कुछ मोटी होकर के जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ तो पत्नी के साथ तो ठीक है संबंध है, किसी प्रकार के कोई वैचारिक मतभेद मुझको यहाँ पर नज़र नहीं आते। तो कुल मिलाकर के पत्नी का सहयोग भी है और थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, यानी दैनिक दिनचर्या के अंदर थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ उस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। साथ ही साथ अब चलता हूँ मैं आपके यहाँ पर मंगल प्रथम पर्व की, मंगल का प्रथम पर्व और मंगल के प्रथम पर्व से निकल कर चलने वाली रेखाएं यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो बिल्कुल यहाँ पर यहाँ थोड़ा कोई रेखा जाकर के टूट टूट कर चल रही है तो वो आगे जुड़ जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर कर्म वाली रेखाएं यदि मैं कहूँ तो निश्चित रूप से कर्म वाली रेखाएं आपके पास हैं जिससे आप कर्म करते रहते हैं, इन रेखाओं को उनको माना जाता है मंगल के लिए। द्वितीय पर्व की बात करते हैं तो वहाँ द्वितीय मंगल पर्व पर किसी भी प्रकार के यहाँ पर मुझे अभी कोई मुकदमे की रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ साहस की रेखाएं ये नज़र आ रही हैं। तो ठीक है, मंगल का रोल राजनीति के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जिसके पास बढ़िया वो दुनिया को जीत लेगा। व्यक्ति की मंगल रेखा जाकर के आपकी मंगल पर्वत तक पहुँच गई, यानी राजनीतिक कार्यों से, टेक्निकल कार्यों से, जमीन के कार्यों से, या कह आप कह सकते हैं कि पुलिस के राजनीतिक कार्य, पुलिस वालों से निकालने में, राजनीतिक कार्यों से लोगों से कार्य निकालने में आपका दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बुद्धि रेखा बहुत ही स्पष्टता के साथ है और बिल्कुल निडरता के साथ है। तो चलिए ये आपकी बात हो गई। अब मैं बात करूँगा आपके यहाँ पर सीधा सीधा चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का ऐसा संबंध तो अभी कहीं नहीं दिखाई देता कि यहाँ कोई विदेश जाने वाले सहयोग वाली रेखाएं अभी कोई नई नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं अभी एक रेखा का संबंध अगर मैं करूँ तो नीचे वाली चंद्र पर्वत से गहरी रेखा बन करके और ये आपकी आयु रेखा के अंदर यहाँ पर जा रही है। तो यानी कि दूर दूर के लोगों से संपर्क करके और अपने जीवन में ऊर्जा भरने वाली रेखा है। तो साथ ही एक बात का संकेत और भी है कि व्यक्ति को जरा बुरी संगत वाले जो प्रलोभन देने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी बचना होगा। वो किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे सकते हैं, ऐसी रेखा है तो आएंगे ज़रूर वो आपके पास। तो चलिए उनसे किस तरह से काम लेना है ये आपकी मंगल रेखा अच्छी तरह से जानती है। अब बात कर लेते हैं आपके पास व्यापारिक रेखा की। जहाँ आपके पास बुध टावर अच्छा था, जहाँ बुध की अंगली अच्छी थी, वहीं आपके पास व्यापारिक रेखा भी मजबूती के साथ में यहाँ पर मिली हुई है। यानी कुल मिलाकर दूर स्थानों से जुड़ करके भी लाभ और पत्नी के आने के बाद भाग्य उदय की रेखा भी यहाँ पर, ससुराल पक्ष से भी मजबूती, इस प्रकार को देखें तो कुल मिलाकर आपके पास व्यापारिक बुद्धि है। यानी आप यदि व्यापार करेंगे तो व्यापार में भी आपको तरक्की उन्नति प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ भाग्य रेखा और बहुत ही अनुकूल अवस्था के साथ में ये जुड़ करके चलती है। जब मणिबंध से रेखा मिलती है तो परिवार का सहयोग भी मिलता है। साथ ही साथ ये रेखा जाकर के यहाँ को ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर 35 वर्ष के बाद तो मुझे दो स्थानों से लगता है, यानी कि कोई दो स्थानों के द्वारा आपको लाभ के संकेत को दर्शाने वाली ये रेखाएं आपके पास हैं। यानी 35 के बाद आप अपने व्यापार या नौकरी के साथ साथ कुछ दूसरे माध्यमों से भी धन के आगमन बनाते हैं, इस प्रकार की रेखा समुकूलता के साथ में है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कोई विशेष परेशानी वाली स्थिति आपके जीवन में नहीं आने वाली है। तो एक रेखा ये देखिए, ये आपकी आयु में निकल रही है, इसको लगभग कहते हैं, मैं समझता हूँ लगभग 35 से 34 वर्ष के अंदर ये आपके पास रेखा मिली है। इसमें आपने ज़्यादातर की अपने जीवन के अंदर करी होगी, या यहाँ कुछ जोड़ करके कभी कभी खेल के माध्यमों से, कभी कभी राजनीतिक कार्यों के द्वारा व्यक्ति को लाभ मिल जाता है, यहाँ से जाने वाली ये रेखा भी बताती है। तो चलिए ये आपका हो गया, यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ या व्यवसाय की शुरुआत या कुछ ना कुछ अच्छी शुरुआत के योग से शुरुआत हुई आपकी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके मंगल रेखाओं के बारे में, जो संजीवनी रेखा जिनको बोलते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में आई हुई मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। यह आपके जीवन में 25 वर्ष से लेकर के और लगभग 45 वर्ष तक इनका सहयोग आपके पास है, यानी ये सब मुसीबतों से वैसे भी निकाल करके ले जाएगी आपको ये रेखा। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा और आयु रेखा में शुरू में संघर्ष काफ़ी दिखाई दिया,
कि जीवन के शुरुआत में संघर्ष रही, लेकिन अब यहाँ दिख कर क्या करके पहुँचता हूँ, तो ये अनुकूलता के साथ में रेखा आपके पास है। कुल मिलाकर के अभी 74-75 वर्ष की आयु भी आपके पास में मौजूद है, तो ये आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है, तो इनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी बात कर लेता हूँ आपके थोड़ा सा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यदि यहाँ देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो संसाधन जो नित्य होते हैं व्यक्ति के पास में, वो संसाधन यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के हाथ का निचोड़ इस पास से निकला कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल समय है, यानी आने वाले जीवन में। और आज भी आप सीढ़ी बाई सीढ़ी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हाथ मुझे देखने के लिए मिला, मुझे अच्छा लगा इस हाथ को देख करके। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आप क्या करें जो आपके जीवन में ये प्रगति लगातार बनी रहे। इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा जितनी ज़्यादा, मंगलवार के दिन प्रसाद बांटिए हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आप पूजा करेंगे उतना आपके जीवन के अंदर तरक्की के रास्ते आपके खुलते जाएंगे। तो यहाँ कुल मिला करके थोड़ा सा मंगल पर्व यहाँ थोड़ा पीड़ित है, तो इसको देख करके यहाँ मुझे कुल थोड़ा बहुत रोग वो पिछले समय में हो सकता है रहे हों कुछ झगड़े झंझट, लेकिन उनसे सबसे निकल गए हैं आप, तो थोड़ा सा आपस वो पहले भी थी स्थिति उनसे सब निकल चुके हैं। तो कुल मिला के हनुमान जी की पूजा जो कुछ बाधाएँ होंगी वो सब दूर कर देंगी, वो करते रहिएगा। और एक बेहतरीन सा पुखराज आपने इसमें पहन रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिए। यदि इसको 6 साल हो चुके हैं तो इसको उतार दीजिए, दूसरा पुखराज आप पहन सकते हैं। नमस्कार।